हेलो दोस्तों, शिव साई इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं एक्सटेंशन बोर्ड जो कि दो स्विच और दो सॉकेट का होगा। तो देखिए, ये स्विच ये सॉकेट और ये स्विच ये सॉकेट। तो देखिए, मैंने कुछ ये स्विच सॉकेट पहले से फिट कर लिए हैं और एक ये सॉकेट अभी मैं आपको फिट करके दिखा देता हूँ। ये इस तरीके से इसको लगा देते हैं। तो ये दूसरा सॉकेट भी मैंने ये फिटिंग कर लेता हूँ। तो फिर करते हैं फिर इसके कनेक्शन। तो आपको बताता हूँ कि ये एक्सटेंशन बोर्ड के कनेक्शन कैसे होते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, दो ये सॉकेट है, एक ये सॉकेट है और ये दो स्विच हैं। ये स्विच इसके साथ काम करेगा और ये स्विच इसके साथ काम करेगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये मेन लाइन का मेन फेस जिसको बोलते हैं, करंट की जो तार होगी वो इन दो में सबसे पहले लगा लेते हैं। इनको दोनों को आपस में कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक वायर है, सबसे पहले हम इसी को कनेक्ट कर लेते हैं। ये हमने एक वायर कनेक्ट कर ली है दोनों स्विचों के अंदर। और अब ये दूसरी वायर, ये एक वायर लेते हैं, ये एक सॉकेट की एक पिन पे लगाते हैं। और ये स्विच के जो दूसरा ये जो पॉइंट है खाली है इसमें लगाएंगे। ये हमने ये वायर एक लगा दी है। तो ऐसे ही हमने जैसे ये यहाँ पर एक लगाई है तो इसी पॉइंट से हम एक और वायर यहाँ इस पॉइंट पे भी लगा देंगे सॉकेट के। तो ये एक स्विच में लगा दिए ये वायर और ये दूसरा सिरा सॉकेट के पिन पर। तो देखिए दोस्तों, ये दोनों नीचे वाले पॉइंट हमने आपस में कनेक्ट कर दिए हैं। ये वाली जो ग्रीन वायर आप देख रहे हो इसके ज़रिए, और एक दूसरे ऊपर वाले पॉइंट से लेके हमने ये सॉकेट के एक पहले पॉइंट पे दे दिए। ऐसे ही दूसरे स्विच के ये दूसरे पॉइंट से लेके ये वायर दूसरे सॉकेट के पहले पॉइंट पे दे दिए। अब हमारे पास ये वाला पॉइंट खाली बचा हुआ है, ये वाला खाली बचा हुआ है। तो हम इसको और इसको आपस में कनेक्ट कर देंगे। ये हमारी न्यूट्रल, इसको बोलते हैं न्यूट्रल। तो और ये जो सर्किट था ये हमारा फेस का सर्किट था जिसको हम फेस बोलते हैं, जिसमें हम लाइन देंगे। जो हमारे पास करंट की वायर होगी वो हम स्विच में देंगे। और ये जो ब्लैक वाली वायर हमने लगाई है ये हमारी है न्यूट्रल वायर, इसके अंदर हम न्यूट्रल वायर देंगे। तो दोस्तों देखिए, ये कनेक्शन हमारे हो गए पूरे। अब हमने मेन लाइन जोड़नी है इसके अंदर। तो मेन लाइन, तो देखिए मैंने दोस्तों लाल और काली वायर इसके लिए है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जो हमारी रेड वायर है ये हमारी होगी फेस। तो हमने फेस कहाँ देना है, जो हमने ये दोनों आपस में कनेक्ट किए हैं इसके अंदर ही हमारा फेस लगेगा। तो हम कोई से भी पॉइंट पर फेस लगा देंगे। दोस्तों ये नीचे वाले में जहां हम कनेक्ट करते हैं ये आपस में, चाहे हम यहां लगा दें चाहे यहां लगा दें एक ही बात है। तो हमने ये फेस लगा दिया है रेड वाली वायर, और ये जो हमारे पास ये ब्लैक वाली वायर है, तो ये जो हमने न्यूट्रल बनाई थी कॉर्नर टू कॉर्नर, ये हमने कनेक्ट किया है ब्लैक वाली वायर। वायर तो आप कोई से भी ले सकते हैं लेकिन ध्यान रखना ज़रूरी है। तो अब हम इसके अंदर ये ब्लैक वाली वायर लगा देते हैं जो कि हमारे पास, हम इसको न्यूट्रल बनाएंगे। तो दोस्तों देखिए,
बिजली का काम करते हुए आपने बहुत ही सावधानी रखनी है। अभी तो हम ऐसे ही कनेक्शन कर रहे हैं, लेकिन चलती लाइन में आप काम ना करें और सावधानी पूर्वक ही काम करें। कुछ लकड़ी का फट्टा वगैरह या पटरा वगैरह आप ज़रूर पैरों के नीचे रख लें, ताकि आपको शॉक लगने से बच सकें। तो दोस्तों, अब ये हमारे कनेक्शन एकदम से पूरे हो चुके हैं, तो देख लीजिए। मैं एक बार ये आपको ये दिखा देता हूँ, फिर दोबारा से बता देता हूँ। ये न्यूट्रल वायर है हमारी, जो ब्लैक वाली लगी हुई है, और इसी के साथ हमने मेन लाइन की न्यूट्रल भी लगाई है। और ये जो दो स्विच हैं, इसको हमने आपस में कनेक्ट किया हुआ है, और फेस की वायर जो हमने इसी के साथ ही कनेक्ट की हुई है। और स्विच के ऊपर वाला पॉइंट जो हमारा सीधा एक सॉकेट की पिन पर जा गया हुआ है, और इसी वाले दूसरे वाले से भी सॉकेट की पिन पर गया हुआ है। तो दोस्तों चलो, बोर्ड है रेडी, अब इसको हम चेक कर लेते हैं। तो वायर ये थोड़ी सी लूज थी, ये दोबारा निकल गई है, तो मैं इसको दोबारा से ठीक से लगा देता हूँ, दूसरे पॉइंट पे लगा देता हूँ। दोस्तों सही से टाइट करके लगा देता हूँ, ताकि निकले नहीं। ये हमने लगा दी है, तो कर देते हैं बोर्ड को फिटिंग, तो फिर हम उसको करके दिखाएंगे, चेक करके दिखाएंगे कि ये दोनों स्विचों के काम कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये बोर्ड मैंने बना दिया है, और ये हमारे पास इसके स्क्रू हैं, तो ये स्क्रू हम लगा लेते हैं। ये एक्सटेंशन बोर्ड बनके आपका ये रेडी हो गया है। अब इसको आप किसी भी चीज़ में घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप सामान लेके आके घर पे भी इसको बना सकते हैं आसानी से। मार्केट में बोर्ड वगैरह, सीट वगैरह, सीट, स्विच सॉकेट सब आपको आसानी से मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये हमने लगा लिया है, और ये दोनों वायर हमने कनेक्ट कर दी हैं। तो मैं अब इसके साथ में आपको ये बल्ब जला के दिखाता हूँ। तो देखिए, ये देखिए, ये वाला ओके है, और एक ये दूसरा वाला चेक करा देता हूँ। ये देखिए, ये भी वर्क है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।